गया। हाँ थोड़ा सा गंदा है, इसलिए इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। क्या ओव्यूल मिला, वाह वाह भाई वाह, क्या ओव्यूल मिला! ऐसा ओव्यूल आप लोग जिंदगी में नहीं देखे होंगे, हम भी नहीं देखे थे। देखिए ये है ओव्यूल, ये है ओव्यूल, ठीक है चलेगा? व्यूल खाली है सर, ओव्यूल गॉड है खाली, ओव्यूल खाली है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक को डालना पड़ेगा। चलिए इसके अंदर एम्ब्रियो सैक को डालते हैं। चाय बनाइए सर चाय बना दे, बोलिए चाय बना दे। ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो मान लीजिए ये ओव्यूल है, और हम बताएं आपको ओव्यूल का सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल का सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। देखिए कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है बीच में, ठीक है। एम्ब्रियो सैक, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस। ये जो पूरा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आप जानते हैं, साइटोप्लाज्म सेल का साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूसेलस बोलेंगे। अच्छा अब इस ये जो न्यूसेलस है, ये जो न्यूसेलस है आप देख पा रहे हैं, न्यूसेलस के बाहर में ये कवरिंग प्रेजेंट है। अरे भैया कवरिंग तो है ना, ये क्या है, ये कवरिंग है, ये कवरिंग ही है। इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं इंटिग्यूमेंट। दो कवरिंग प्रेजेंट होता है मोस्टली, अगर प्लांट का बात करें दो कवरिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ तो आपको एक ही दिख रहा है, कप है यहाँ पे। हाँ दो कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंटिग्यूमेंट। अंदर वाला कवरिंग बोलेंगे इनर इंटिग्यूमेंट, बाहर वाला कवरिंग बोलेंगे आउटर इंटिग्यूमेंट। इस तरीके से ये ओव्यूल प्रेजेंट होता है। बोलिए अभी हमारे पास, हम किसको पकड़े हैं, इंटिग्यूमेंट को पकड़े हैं, आउटर इंटिग्यूमेंट को पकड़े हैं। आउटर इंटिग्यूमेंट के अंदर जब जाएंगे तो हमको मिलेगा एक और कवरिंग जिसको बोलेंगे इनर इंटिग्यूमेंट। इनर इंटिग्यूमेंट के अंदर जब जाएंगे तो हमको मिलेगा न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होगा आपका, एम्बेडेड होगा एम्ब्रियो सैक, कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया एक ओव्यूल। अब ये ओव्यूल कनेक्टेड रहता है प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है, जैसे कि पपीता का आपको बताए, प्लेसेंटा से ये कनेक्टेड रहता है। ये प्लेसेंटा से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, कुछ इस तरीके से। प्लेसेंटा के साथ, देखिए प्लेसेंटा के साथ एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, कुछ इस तरीके से। इनफैक्ट इसके बाहर से कनेक्टेड रहता है, कुछ इस तरीके से। और ये जो स्टॉक लाइक, समझ में आ रहा है क्या, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर उसमें चिपका, देखिए ये मेरा हाथ प्लेसेंटा है, ये मेरा हाथ प्लेसेंटा है। अब देखिए इस ओव्यूल को हम क्या बोल रहे हैं, ये ओव्यूल जो है प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड रहता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर का हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल देखिए, ध्यान से देखिए, फ्यूनिकल जिस जगह में ओव्यूल के साथ कनेक्टेड है, ये ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है, ये प्लेसेंटा है। तो फ्यूनिकल जिस जगह में ओव्यूल के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये वाला जगह का बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं हाइलम। दिस रीजन इज कॉल्ड एज, ये मेरा उंगली जो है, दिस वन इज हाइलम, HILUM, हाइलम। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि यस हाइलम इज द जंक्शन, हाइलम इज द मिडिल पॉइंट, हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। क्या बात है, फ्यूनिकल है, एंड द फ्यूनिकल। इसी तरीके से ओव्यूल प्रेजेंट होता है एक एंजियोस्पर्म के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर। इधर से भी कवर है, पीछे से भी कवर है, लेकिन ऊपर से ये खाली है। तो वो वाला पार्ट ओव्यूल का जहां पे कोई इंटिग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, MICROPYLE, माइक्रोपाइल। वो वाला पार्ट ओव्यूल का जहां पे इंटिग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ओपनिंग प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। इस एंड को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ओव्यूल का आपको एंड बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं कि भैया ये सर है इसका, पैर है इसका, ये एंड को हम लोग बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट वाला एंड, मतलब ये वाला एंड का बात कर रहे हैं, इस एंड को बोलेंगे चला जा, चला जा है? ये चला जा एंड, चले जा। CHALZA। हाँ चले जा,
चला जा, और इस एंड को हम लोग बोलेंगे चलाजल एंड। इस तरीके से ओव्यूल में दो एंड होता है, एक एंड को बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, एक एंड को बोलेंगे चलाजल एंड। देखिए ये माइक्रोपाइल है और इंटीग्यूमेंट इसको कवर करके रखा है। चलिए इसको हम लोग इनर इंटीग्यूमेंट मान लेते हैं जो ये कवरिंग है, और हम हाथ से बना देते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। कुछ इस तरीके से ओव्यूल आपका प्रेजेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट के पास जो ओपनिंग है इसको हम लोग अंदर में ओपनिंग है तो बोलते हैं एंडोस्टोम। स्टोम मतलब माउथ, अंदर में है तो एंडो। आउटर इंटीग्यूमेंट ये वाला बात कर रहे हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट के पास जो ओपनिंग है मतलब ये वाला ओपनिंग का बात कर रहे हैं, इसको बोलेंगे एक्सोस्टोम। बाहर में है तो एक्सो, स्टोम मतलब माउथ। इस तरीके से माइक्रोपाइलर एंड में दो माउथ होता है, जो माउथ आपका इनर इंटीग्यूमेंट का जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे एंडोस्टोम, आउटर इंटीग्यूमेंट का जो ओपनिंग है इसको बोलेंगे एक्सोस्टोम। बोलिए कोई डाउट?